विलियम डगलस ने डीप वाटर अपने ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट में हमें बताया कि बचपन से ही उनके अंदर पानी का डर बैठ गया था, क्योंकि 5 साल की उम्र में जब वो एक स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हुए थे, किसी ने उन्हें धक्का दे दिया था और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे। अब उन्हें बहुत शौक था नेचुरल वाटर बॉडीज में जाना, वहां स्विमिंग करना, लेकिन वो अपना शौक पूरा नहीं कर पाते थे इस डर की वजह से। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वो इस डर को खत्म करके रहेंगे, तो उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर किया। बहुत ही ज्यादा मेहनत और डेडिकेशन के साथ उन्होंने स्विमिंग सीखी और फिर उन्होंने अपना टेस्ट भी किया। वो नेचुरल वाटर बॉडीज लेक्स में गए और वहां पे जब उन्होंने स्विमिंग की तो डर वापस आया, लेकिन जब उन्होंने उस डर को कहा कि तुम क्या हो, मैं तुमसे नहीं डरता, तो उन्होंने देखा कि डर गायब हो गया और उन्होंने रियलाइज किया कि डर सिर्फ हमारे माइंड में होता है और एक्चुअली डर बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। और इस तरह से उन्होंने अपने डर पर विजय पाई।